बाबा गांधी और उनकी चौथी पत्नी के घर उनकी आखिरी संतान का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, जिनका नाम मोहनदास रखा गया। पोरबंदर में ही उनकी पढ़ाई हुई और उसके बाद एक छोटे शहर गुजरात के बाहर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर उनका नाम अमिट रूप से छप चुका है, जिनके विचारों और सिद्धांतों ने मार्टिन लूथर किंग, हिटलर और आइंस्टीन तक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। चार्ली चैपलिन ने भी उनके विचारों और सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा सराहा और उस पर अमल किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, जिसके बाद उनका नाम महात्मा गांधी पड़ गया। आज के परिवेश में महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांत कितने मूल्यवान हैं, इसके लिए हम निकल पड़े हैं जानने के लिए युवाओं और बुजुर्गों से कि उनके विचार और सिद्धांत कितने अनिवार्य हैं। महात्मा गांधी के माता पिता का नाम और कस्तूरबा गांधी थी उनकी माता का नाम। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम माता जी का नाम पुतलीबाई था, माता का नाम पुतलीबाई समथिंग था, माता का नाम उनकी मम्मी का नाम तो कस्तूरबा गांधी था और पापा का नाम क्या था पता नहीं। यस, कस्तूरबा गांधी एंड हाँ करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था और पुतलीबाई उनके माता जी का नाम था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जनता ने दी थी आई थिंक, मुझे तो पता नहीं किसने। महात्मा गांधी और उनके विचार आज कितना ज़रूरी है? आज से बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज से बंटवारा हो रहा है, माने इसी का बंटवारा हो रहा है, मतलब जाति का बंटवारा हो रहा है, धर्म का बंटवारा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है हर जगह। आज की डेट में करते हैं इन सेंस, ठीक है कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं उनके पाथ को विच इज़ ग्रेट, बट आई फील लाइक एवरीवन हैज़ अ लिमिट। ऑब्वियसली एज आई मेंशन अर्लियर, नॉन वायलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली स्वच्छ भारत विच इज़ नाउ यू नो करेंटली प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री फॉर क्लीन, इट्स अ क्लीनलीनेस ड्राइव, सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट। What I think is that it is important, basically the thing that he talked about, the non-violence, we have seen that the terrorism is increasing day by day, so that can be applied to that principle, can be applied in the real life, that people should go for non-violence instead of hating. गांधी जी के विचारों पे तो कोई चल ही नहीं रहा है, बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, गांधी जी के विचारों पे कोई नहीं चल रहा है। गांधी जी के विचारों पे चला तो हमारा देश नहीं सुधर जाए। गांधी जी के विचार किसी एक दौर के लिए नहीं हैं, वो हमेशा के लिए हैं, जब तक ये मानव सभ्यता है तब तक के लिए हैं, और किसी देश विशेष के लिए भी नहीं है, वो जितने भी देश हैं, जितने भी जहाँ भी जितने लोग हैं उन सब के लिए हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक विचार नहीं है, वो अपने आप में जीवन जीने की कला है। गांधी जी ने देश के लिए क्या किया किसी को पता नहीं, पर क्या नहीं किया इस पर सवाल उठता जा रहा है। आज के ज़माने में तो देखो मैम, उनके जो विचार थे तो कहाँ तक, मैं बता, तो सरकार आने से पहले तो सब कुछ विचार थे और सरकार आने के बाद सारे विचार बेकार हो गए। अच्छा, महात्मा गांधी और उनके विचार आज प्रासंगिक हैं उतने जितने आज से पहले हुआ करते थे? क्या लगता है आपको? हो सकते हैं, पर आजकल जैसे कि वेस्टर्न जो सभ्यता उसके तरफ ज़्यादातर लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो उन चीज़ों में ज़्यादा मानते नहीं हैं। I don't think they are relevant now because if we talk about things like his principles like ahimsa and all, in today's world nobody is that much having that much patience or tolerance. हम पहले के ज़माने की तरह गांधी के principles adopt नहीं कर सकते अपनी life में लागू। जैसे कि ये कहा जाता है कि गांधी जी ने हिंदी और पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया, और वो कहीं ना कहीं बात सच है, तो मैं ऐसे इंसान की क्यों बात मानूं जिसने एक देश का और एक मुल्क का पूरा बंटवारा कर दिया और दो हिस्सों में बांट दिया और आज भी उसी हिस्सों में लड़ाइयाँ हो रही है, मैं ऐसे इंसान का क्यों उसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करूं? देयर इज नो नीड। आईना आपके सामने है, आपने देखा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बारे में आपको कितना पता है। आज की पीढ़ी महात्मा गांधी के पिता को भूल चुकी है, महात्मा गांधी के माता का नाम भूल चुकी है, महात्मा की उपाधि किन्होंने दी सब भूल चुकी है,
महात्मा गांधी के ऊपर जब पहली फिल्म बनी तो हॉलीवुड ने जहमत उठाई। अभी नीदरलैंड में महात्मा गांधी को लेकर एक मार्च निकाला जा रहा है। जब कोई व्यक्ति एक लंबी लकीर खींचता है उसमें कई सारे बिंदु भी होते हैं। हो सकता है उस बिंदु से हम इत्तफाक रखते भी हों और नहीं भी। किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ कहने से पहले हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, लेकिन आज की पीढ़ी सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानती है। गांधी के विचार और सिद्धांत बहुत मूल्यवान थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि गांधी अब एक नाम नहीं एक संस्कृति बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है गांधी को जानने की, गांधी को समझने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये पहल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।